हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पॉकेट में। दोस्तों, आज हम इस सीरीज़ का आठवां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है सॉयल एंड क्लाइमेट ऑफ झारखंड, झारखंड की जलवायु और मिट्टी। दोस्तों, इसके पहले के जो वीडियोज़ है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। दोस्तों, इस वीडियोज़ में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और कुछ थ्योरी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए सीखते हैं आज कुछ नया। तो पहला सवाल है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन लार्ज एरिया ऑफ झारखंड, झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी। तो इसका सही जवाब है रेड सॉइल। तो दोस्तों, झारखंड में जो जितनी टाइप की सॉइल पाई जाती है वो देख लेते हैं पहले। तो छह टाइप की सॉइल है जो झारखंड में पाई जाती है। रेड सॉइल, जिसे लाल मिट्टी भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल, इसे काली मिट्टी या काली कपास बोलते हैं, ठीक है। सैंडी सॉइल, इसको रेतीली मिट्टी कहते हैं। लैटराइट सॉइल, एलोवियल सॉइल, एलोवियल सॉइल को जलोड मिट्टी बोलते हैं। और रेड माइकेसियस सॉइल। तो जो झारखंड एरिया है, इसमें जो नागपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसके 90% एरिया में रेड सॉइल पाया जाता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है। ये मिट्टी, और देखो, दामोदर वैली, हजारीबाग, कोडरमा, इन सब जगह पर पाया जाता है, एक्सेप्ट दामोदर और राजमहल एरिया में, ठीक है। राजमहल एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है। द सॉइल इज़ मेड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ, देखो, ये जो आर्कियन, ग्रेनाइट, गिनीस और क्वार्ट्ज रॉक है, इनके डिकम्पोजिशन से बनता है रेड सॉइल, ठीक है। द सॉइल मेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ आर्कियन, ग्रेनाइट, गिनीस और क्वार्ट्ज रॉक्स, अभी बताया वो क्या है, रेड सॉइल। राजमहल एरिया ऑफ झारखंड इज़ द एरिया ऑफ विच सॉइल, राजमहल एरिया में कौन सी सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। देखो, ब्लैक सॉइल जो है ये राजमहल एरिया में पाया जाता है, और इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, केओलिन, पोटास और आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो बहुत हाई है। चलो नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन राजमहल, राजमहल में कौन सी टाइप की सॉइल पाई जाती है। तो भी बताया था ब्लैक सॉइल, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लेना। विच एमंग द फॉलोइंग सॉइल इज़ फॉर्म ड्यू टू बेसाल्टिक इरोजन, देखो जो, ठीक है, धरती के अंदर जो बेसाल्ट होता है वो जब इरोड होता है, और फिर वो उसका जब इरोजन होता है तब जो सॉइल फॉर्म होता है, तो वो कौन सा सॉइल है वो पूछा है। तो वो है ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक है। दामोदर वैली रीजन ऑफ झारखंड कंटेंस, जो दामोदर वैली है झारखंड का, वहाँ पर कौन से टाइप की सॉइल मिलती है ये पूछा है। तो वहाँ मिलता है सैंडी सॉइल, ठीक है। सैंडी सॉइल के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पहले तो ये दामोदर वैली रीजन में पाया जाता है, ईस्ट हजारीबाग और धनबाद एरिया में, ठीक है। जो ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन है गोंदवाना रॉक का, उसके वजह से फॉर्म होता है सैंडी सॉइल, ठीक है। इसमें हाई आयरन कॉन्टेंट होती है, बट नाइट्रोजनस कंपाउंड और ह्यूमस नहीं होता, इसकी वजह से ये बहुत ही कम फर्टाइल होता है, कम उपजाऊ होता है, और इसका कलर कैसा होता है, येलोश। सैंडी सॉइल हैज़ हाई कंटेंट ऑफ, तो अभी बताया था सैंडी सॉइल में हाई कंटेंट किस चीज़ का होता है, आयरन का। द सॉइल प्रेजेंट इन पट जोन ऑफ झारखंड इज, तो देखो इसके बारे में मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो वो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना। और ये किस जोन में पाया जाता है, तो ये पाया जा, ये इसमें, इस जोन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पाया जाता है लैटराइट सॉइल, ठीक है। देखो लैटराइट सॉइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये झारखंड के चार एरियाज में पाई जाती है, राजमहल, रांची प्लेट्यू, पट रीजन ऑफ साउथ पलामू और दलभूम रीजन, ठीक है। ये भी बहुत ही कम फर्टाइल होती है, बट इरिगेशन और फर्टिलाइज़र के मदद से यहाँ पे वीट, पैडी, सुगर केन, ये सब उपजाऊ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि वीट बहुत अच्छे से होती है यहाँ पे इस सॉइल में। लैटराइट सॉइल आर फाउंड इन द हाईलैंड एरिया ऑफ प्लेटू इन झारखंड, इट इज़ फाउंड इन, तो जो लैटराइट सॉइल है वो झारखंड में कहाँ पाई जाती है ये पूछा, तो ये पाई जाती है राजमहल हिल्स में, ठीक है। द लैटराइट सॉइल कैन बी कल्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइज़र, बताया था अभी। तो ये बेस्ट कौन से क्रॉप के लिए सूटेड है ये पूछा है, तो ये बेस्ट सूटेड है वीट क्रॉप के लिए। ओल्ड एलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है ये कहाँ पे पाया जाता है ये पूछा है, तो ये पाया जाता है साहिबगंज में। देखो जो ओल्ड, जो एलुवियल सॉइल है ये दो तरीके के होते हैं, एक तो ओल्ड एलुवियल और एक न्यू एलुवियल सॉइल। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है इसको भंगार बोलते हैं, और जो न्यू एलुवियल सॉइल है इसे खादार बोलते हैं, ठीक है। देखो एलुवियल सॉइल ये दो रीजन में पाई जाती है, एक तो
नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ साहिबगंज और दूसरा पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है वहाँ पाया जाता है ओल्ड एलोवियल सॉइल जिसको बोलते हैं भंगार, और ये वीट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है वो है न्यू एलोवियल सॉइल, इसको बोलते हैं खादर, और ये पैडी के प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। न्यू एलोवियल सॉइल इज़ फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट। न्यू एलोवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है अभी बताया था, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। रेड माइकासियस सॉइल इज़ फाउंड इन विच रीजन। रेड माइकासियस सॉइल ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कोडरमा में। ठीक है, देखो माइकासियस बोला है मतलब कुछ मिक्स है इसमें, तो ये होता है सैंड प्लस माइका, इसलिए इसे माइकासियस बोलते हैं। ठीक है, इसकी भी फर्टिलिटी बहुत ही कम होती है, लो फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, और इसकी कलर कैसी होती है, लाइट पिंक या फिर येलो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकल नेम ऑफ क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल का लोकल नेम क्या है, तो इसका सही जवाब है हलमाडा। ये तो करा दिया था, हाँ देखो अब लोकल नेम, ये जो सॉइल है और उनका उसका लोकल नेम, हाँ ले लो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छा सॉइल और उसका लोकल नेम, तो ये सारा याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखो इसे, एग्जाम में एमसीक्यू बिल्कुल बन सकते हैं इससे। जैसे अभी पूछा था हलमाडा लोकल नेम है किस सॉइल का, तो उसका आंसर था क्लेई सॉइल। वैसे ही बाला किसका है, सैंडी लोम सॉइल। ठीक है, तो कोई भी पूछ सकता है, याद रखना है तुम्हें ये सारा। द सैंडी लोम सॉइल इज नोन एज इन लोकल लैंग्वेज ऑफ झारखंड। सैंडी लोम सॉइल को लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ये पूछा है, तो इसको कहते हैं गोरिस। विच सॉइल इज कॉल्ड चरखा इन लोकल लैंग्वेज ऑफ झारखंड, तो वो टेबल देखना जिसके स्क्रीनशॉट लिया अभी, तो चरखा किसको बोलते हैं, लोमी सॉइल को। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज लोकली नोन नेम्ड एज। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन को किस नाम से जानते हैं, तो ये झूम खेती। शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में कुछ देख लेते हैं होता क्या है ये। देखो एक तो ट्राइबल स्टेट है झारखंड, तो जो एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जाता है वो स्लैश और बर्न मेथड से किया जाता है, जिसको लोकली झूम खेती भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक फॉरेस्ट को काट करके उसे एग्रीकल्चरल फील्ड बना देते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, जो उसकी सॉइल होती है वो सॉइल इरोजन होने के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाती है, मतलब ज़्यादा चांसेस रहते हैं सॉइल इरोजन की, क्योंकि जो ग्रिप होती है उसके रूट्स की, पेड़ों के रूट्स की वजह से वो खो जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस सॉइल इरोजन रेट। सॉइल इरोजन रेट किसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है, तो अभी एक्सप्लेन किया वो है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ठीक है दोस्तों, अगर आपके कुछ आइडियाज़ हो या सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नहीं नहीं अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी है, बस ये डाला आपके आइडियाज़ और सजेशंस जानने के लिए कि आपको लेक्चर कैसे लग रहा है, कुछ सजेशंस हो आप बता सकते हो। ठीक है, और अच्छे लग रहे हो तो शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो यार चैनल को। चलो द क्लाइमेट ऑफ झारखंड इज, अभी नया पार्ट शुरू हो गया क्लाइमेट ऑफ झारखंड, तो झारखंड का क्लाइमेट कैसा है, तो ये सब ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉटेस्ट सिटी ऑफ झारखंड, सबसे गर्म रहने वाला शहर कौन सा है झारखंड का, तो यह है धनबाद। मानसून रीचेज झारखंड इन, देखो ये जो नहीं बना सही ना, फिर से बनाता हूँ, अरे यार हाँ देखो ये जो इंडिया का साउथ सदर्न पार्ट बना है, ये इधर ये केरला इधर श्रीलंका, हाँ वही। ठीक है, तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये इधर से आती है। ठीक है, तो ये झारखंड कब पहुँचती है, मतलब किस महीने में, ये सवाल पूछा है। यहाँ पे ये साउथ मोस्ट एंड पे आती है 1 जून को। ठीक है, तो ये यहाँ पे कब पहुँचती है, मिड जून में, तो इसका ए सही आंसर है। देखो एक्सप्लेन किया डायग्राम से। ठीक है, यहाँ पे ऑनसेट ऑफ मानसून होता है, ये साउथ वेस्ट मानसून, फिर ऐसे करके यहाँ झारखंड तक पहुँचती है, कब, मिडिल ऑफ जून। अब देखो झारखंड में कितने सीजन्स एक्सपीरियंस होते हैं, 3 मेन सीजन है जो झारखंड में होते हैं, समर सीज़न, रेनी सीज़न और विंटर सीज़न। ये होता है मार्च से मिड जून, ये जून से अक्टूबर, और ये नवंबर से मिड मार्च। द हाइस्ट रेनफॉल ऑफ झारखंड इज़ रिकॉर्डेड इन, अच्छा झारखंड में जो हाइस्ट रेनफॉल हुआ है वो किस जगह पर हुआ है, ये पूछा है, तो ये हुआ था नेत्रहाट प्लेट्यू में। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। द रेनी सीजन ऑफ झारखंड बिगिन्स विथ अप्रोचिंग ऑफ मानसून इन द मिडिल ऑफ जून टू अक्टूबर। ठीक है, इस दौरान होता है, जो एवरेज रेनफॉल है झारखंड की हुआ है 140 mm।
इसकी वजह से इस एरिया को मीडियम रेनफॉल एरिया रीजन बोला जाता है। ठीक है, जो हेवीस्ट रेनफॉल हुई है वो हुई है नेत्रहाट रीजन में, कितना 180, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है देखो यहाँ ये सेंटीमीटर है, 180 mm, मतलब 180 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ ब्रांचेस ऑफ मानसून। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, देखो जो बारिश होती है यहाँ पे दो ब्रांचेस की वजह से होती है, एक तो अरेबिक सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल सी ब्रांच। देखो ये डायग्राम में एक्सप्लेन किया होगा कहीं, ठीक है आगे डायग्राम होगा बताता हूँ। ठीक है, अरेबिक सी ब्रांच तुम्हें पता है किधर है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच किधर है, ईस्ट साइड। ठीक है, तो इन दोनों के वजह से मानसून आती है। चलो आगे देखते हैं, द प्लेटू ऑफ नेत्रहाट रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल अराउंड। जो नेत्रहाट प्लेटू है वहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है, अभी बताया था 180 सेंटीमीटर, जहाँ 1800 mm लिखा था, है ना सेम है। झारखंड रिसीव्स मोर रेनफॉल फ्रॉम, अच्छा अभी बताया था दो सोर्स है रेनफॉल के झारखंड में, एक तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक अरेबियन सी ब्रांच। तो ज़्यादा रेनफॉल किसकी वजह से होती है, तो इसका सही जवाब है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। ठीक है, हाँ ये डायग्राम देखो, ये इधर है झारखंड, हिल्स बने हुए है ना, ये है बे ऑफ बंगाल ब्रांच और ये है अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, अरेबियन सी इधर है और इधर बे ऑफ बंगाल है, तो इसकी वजह से जो क्लाउड्स आ रहे हैं, जो बारिश हो रही है, इसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं और इसको अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है इसकी वजह से। अब देखो, अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस इन झारखंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ ईस्ट टू, ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है साउथ टू नॉर्थ। देखो जो मैक्सिमम रेनफॉल होगा ये साउथ है, देखो ये साउथ है, अरे यार हाँ ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो अगर इधर से ये विंड की डायरेक्शन है तो साउथ डायरेक्शन में ज़्यादा रेनफॉल होगी और नॉर्थ डायरेक्शन में कम, वही पूछा है, तो इसका आंसर है नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ सॉरी। द लोएस्ट रेनफॉल इन झारखंड इज रिकॉर्डेड इन, सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है, हाईएस्ट तो भी देख लिया नेत्रहाट में है ना, अभी बताओ लोएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है, तो इसका सही आंसर है चाईबासा रीजन। ठीक है, याद कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। झारखंड क्लाइमेट इज डिवाइडेड इनटू, झारखंड की जो क्लाइमेट है वो कितने जोन्स में डिवाइडेड है, तो ये डिवाइडेड है 7 जोन्स में। ठीक है, ओशन इफेक्टेड जोन ऑफ झारखंड फॉल्स इन विच रीजन, जो ओशन इफेक्टेड जोन है झारखंड का वो किस एरिया में फॉल करता है, तो ये फॉल करता है सेरिकेला खारसवन एरिया में। ठीक है, द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर ऑफ झारखंड सारंडा और पोरहात कम्स अंडर द, ये दोनों किस एरिया के अंडर आते हैं, तो ये आते हैं साउथ वेस्ट जोन में। पट रीजन ऑफ झारखंड रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल बिकॉज, जो पट रीजन है झारखंड का यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्यों, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है हाईएस्ट एलिवेशन में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आपको आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, बी काइंड, बी स्मार्ट।